अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो ज़बरदस्त से रेमेडी शेयर करने वाली हूं वो ये है कि किस तरह हम अपने बालों को सिल्की स्मूथ कर सकते हैं। ड्राई एंड डैमेज बालों की मैं पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूं, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, क्योंकि कोई भी नेचुरल चीज़ जो हम अपने बालों पर फेस पर अप्लाई करते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हमें चाहिए सरसों का तेल, ये 1 टेबल स्पून आपने लेना है। उसके बाद आपने एक टुकड़ा एलोवेरा जेल का ले लेना है। इसकी सिर्फ आपने जेल डालनी है इसमें, और 2 टेबलस्पून आपने दही लेनी है, और एक केला और एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। इन सब चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देना है। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ बालों में किस तरह अप्लाई करना है। ये सब चीज़ों को आपने इसके अंदर डाल दिए। अब आप इसको हमारी फेस तो तैयार हो जाएगी। ये हमारी पेस्ट तैयार हो गई। आप इसको बोल में डाल दें। ये हमारा पेस्ट तैयार है, फेस हेयर पैक तैयार है। अब हम इसको बालों में लगाते हैं। अब सबसे पहले आपने बालों की पार्टीशन करनी है। आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और हाथों से भी लगा सकते हैं। इस तरह करके आप सारे बालों में इसकी एप्लीकेशन कर लें। ये सारे बालों में एप्लीकेशन हो गई है। अब आप इसके ऊपर शॉवर कैप चढ़ा लें, और तकरीबन आधा घंटे के बाद इसको हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं आधे घंटे के बाद हमने शैम्पू किया और बालों को ड्राई करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मेरी हौसला अफज़ाई किया करें, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।